नमस्कार, आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज पर यह समाचार। बेशकीमती भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध रूप से किए जा रहे हैं कब्जे। शिकायत पर थाना तहसील के जिम्मेदार अफसरों पर कोई प्रभाव नहीं। ग्राम पंचायत रामपुर भगन के ही निवासी सुरेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए आरोप लगाया है कि अवैध कब्जेदारी की शिकायत स्थानीय पुलिस तथा तहसील के जिम्मेदार अफसरों ने अनसुना कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके नेतृत्व में जब ग्रामवासी जिलाधिकारी से मिले वे अवैध कब्जेदारी की शिकायत की तो बीकापुर जिलाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तहसील के जिम्मेदार अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। कब्जेदार दबंग निडर होकर मामले को सांप्रदायिक रंग देते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए खबर हमारे संवाददाता मनोज यादव की यह रिपोर्ट। केवल वोट बैंक के चक्कर में कब्जा किया जा रहा है, ये सब वोट बैंक वोटों के चक्कर है। वोट चक्कर में है, वोट हमारा बना रहे जा रहा है, इसको कराना बना दो, इसको कराना मिलता रहा, इसको कराना बना। रामपुर बहुत सुरक्षित जगह है, आप तले कहता नहीं, लेकिन अगर ये कब्जा ना हटा किराना बनाने को उसको बनाने जा रहे हैं किराना से। बस मेरा यही कहने का मतलब, अभी भी मैं रामपुर भवन सुरेंद्र प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। मैंने आवाज़ जो जाल साज कर रहा है वो बहुत बड़ा रैकेट है, ये भूम अभियान का बहुत बड़ा रैकेट है। इसमें कई 1.25 करोड़ 1.5-2 करोड़ रुपये ज़मीन है। प्रेजेंट टाइम पर अगर निकालेंगे 2 करोड़ रुपये ज़मीन होगी। इसमें बीडीसी राजा है, बीडीसी राजा और प्रधान बलवंत सिंह द्वारा, और ये मेन रोड पर हमारी ज़मीन है। इसमें सारे स्थानीय हमारे लोकल जो हमारे गवर्नमेंट के हैं, एसओ साहब हैं, उसके बाद चौकी इंचार्ज हैं, लेखपाल हैं। कल जब हमने लेखपाल को डांटा उसके बाद जाके खुद उसने अप्लीकेशन दिया, जीएस की ज़मीन है ये, खुद अप्लीकेशन दिया जीएस की ज़मीन है। अभी तक सो रहे थे ये, जब परसों से मुझे जानकारी में आया तब तक निर्माण हो रहा है अभी। उसके बाद डीएम साहब को मैंने शिकायत की, डीएम साहब ने लाइन पे लेके डीएम साहब को बोला तत्काल जाके उसको रुकवाओ, तब उस टाइम पर रोका गया। लेकिन उसके बावजूद भी सारा सामान घरेलू सामान ले जाके वहाँ पर रख रहा है, कब्जा कर रहा है, घर बना रहा है वहाँ। कितने महीने से ये कारनामा चल रहा है? ये अभी कब्जा परसों पता लगा मुझे, परसों से कब्जा चालू किया उन्होंने, परसों से भी कर रहे हैं कब्जा, उसमें मकान भी और ड्रामा कर रहा है, रहने के लिए भी दिखा रहा है। तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, प्रशासन क्या करता है? प्रशासन कुछ नहीं, बैठा है सब, पैसा मिली बकत हुआ, पैसा बटा है इसमें पैसा जबरदस्त पैसा बटा है। ये सुनने में 3 दिन के अंदर 200 लाख रुपये बांटे गए हैं, सब पैसा लेके बैठे हैं, सब अवैध कब्जा करवा रहे हैं। प्रधान से कौन है इसमें? प्रधान बलवंत सिंह पैसा लेकर खाया है, उसके बाद चौकी इंचार्ज, लेखपाल, यहाँ तक जहाँ तक सूचना मिली है सब पैसा बटा है। यहाँ पे हम सर्चिंग में हैं, जैसे हमें कोई रिटर्न में मिलेगा मैं आपको जरूर इसको प्रोवाइड करूँगा। तो सुरेंद्र प्रताप सिंह इसकी ज़मीन है, ये हट जाना चाहिए, अवैध कब्जा हटे यहाँ से, मिले तो गरीब को मिले, इसको बगाना देश ना बनाया जाए, इसको लाके ओंट के नाम पर रानीज करके ये जो है केवल उसको देखे पूरा वो बना रहे हैं, अपना बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करूँगा, आप माफिया खत्म कर रहे हैं, बुलडोजर गिरा के इसको साफ कराइए।